हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है ये एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको हमारे बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक्स मिल जाएंगी, बेस्ट वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, फ्री में क्विजेज, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियोज वगैरह भी मिल जाएंगे। आप जाकर के इन सब का लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे कि हाल ही में कब यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया गया। तो चूंकि दोस्तों यूनिसेफ का की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इसी वजह से 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है यूनिसेफ का स्थापना दिवस। यूनिसेफ का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है, तो ये है 47। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत है दोस्तों 56वें स्थान पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, या कहें विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत इसमें है 56वें स्थान में। टॉप पर कौन है? टॉप पर देखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड पिछली बार भी टॉप पर था और इस बार भी टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर है लग्जमबर्ग। यहां पर डेनमार्क दिख रहा है, डेनमार्क नहीं होगा दोस्तों, डेनमार्क फिफ्थ पर है इस बार। ठीक है, तो ये 2021 की रैंकिंग है, आईएमडी के द्वारा जारी की गई है। आईएमडी यानी मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो स्विट्जरलैंड पिछली बार पर भी टॉप पर थी, इस बार भी टॉप पर है। एशिया में टॉप थ्री की बात करें तो एशिया में टॉप थ्री में हांगकांग है 11वें नंबर पर, ओवरऑल एशिया में टॉप पर है ये। और सिंगापुर सेकंड टॉप है, सेकंड पर है एशिया में, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 12वीं। ताइवान तीसरे नंबर पर है एशिया में, ओवरऑल रैंक है 16वीं। अभी दोस्तों पिछले दिनों में ही मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके दी हुई थी सूचकांक पर, इंडेक्स और रैंकिंग पर। तो रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इस साल के कौन कौन से महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग आई है। तो पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ हूं, उसमें बहुत सारे रैंकिंग के बारे में हम लोग बात किए हैं। कुछ 5-6 हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, इसमें भारत 90वें स्थान पर है, जापान और सिंगापुर टॉप पर था। इसके अलावा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जो जारी की जाती है, भूख सूचकांक जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें भारत 101वें स्थान पर था। इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया था जिसमें भारत 121वें स्थान पर था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर पहुंच चुका है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दोस्तों भारत 140वें स्थान पर है। एक हैप्पीनेस इंडेक्स आए थे, उसमें भारत 139वें स्थान पर है। और एक दोस्तों आप याद जानते ही हो 53वें स्थान पर लोकतंत्र सूचकांक में है, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, उसमें नॉर्वे टॉप पर रहता है। तो यहाँ पर 53वें स्थान पर भारत है लोकतंत्र सूचकांक में। इतने इंडेक्स तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी सभी इस साल के जो भी महत्वपूर्ण उनको देखने के लिए यहाँ कार्ड बनकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए देखिए वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। कल की दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज, मिस यूनिवर्स का खिताब 21 सालों के बाद भारत के पास आ गया है। फिर से हरनाज संधू ने जीत लिया है मिस यूनिवर्स का खिताब। यहाँ पर इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये हैं हरनाज संधू, और इन्होंने जीत लिया है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब। ये 70वीं मिस यूनिवर्स बनी हुई हैं दोस्तों, 21 सालों के बाद आया है, यानी 21 साल पहले भारत में इससे पहले आया हुआ था लारा दत्ता के रूप में। लारा दत्ता सन 2000 में जीती थी, और पहली भारतीय बनी थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 में जीता था। अभी तक केवल 3 ही आया हुआ है, तो ये तीसरी भारतीय है। ठीक है, सुष्मिता सेन पहली थी, दूसरी थी लारा दत्ता, और तीसरी हरनाज संधू। यहाँ पर रनर अप रही नादिया फरीरा जो कि पराग्वे से हैं, और ललिला मसवाने ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, और ये थर्ड पर रही यानी सेकंड रनर अप रही। क्लियर, मिस यूनिवर्स। अच्छा, पिछली बार किसने जीता था? तो पिछली बार दोस्तों एंड्रिया मेजा ने जीता था। मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया हुआ है, मैक्सिको की ये थी, मैक्सिको की। ठीक है, एंड्रिया मेजा, इनका भी नाम याद रखेंगे क्योंकि जो पिछली बार विजेता होती है वही ताज पहनाती है,
ठीक है, तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, मिस यूनिवर्स पुराना है कि मिस वर्ल्ड? तो आप बताएंगे मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड दोस्तों ये शुरू हुआ था 1951 में, और मिस यूनिवर्स जो था ये शुरू हुआ था 1952 में, एक साल बाद ही शुरू हुआ था। भारत सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड जीतने वाला भी देश है। भारत और वेनेजुएला 6-6 बार जीते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब, सबसे ज्यादा बार। ठीक है, मिस यूनिवर्स तो भारत में फिलहाल 3 ही आया हुआ है। मिस वर्ल्ड में अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला कौन बनी थी, तो आप बताएंगे रीता फारिया। और 2017 में अभी मोस्ट रिसेंट इंडिया में किसके नाम आया था, मानुषी छिल्लर। क्लियर, ये सारी चीजें दोस्तों पूछी जा सकती हैं। कल इस पर मैं वीडियो देने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि काफी चीजें चल रही हैं इधर बैकग्राउंड में, तो काफी बिजी शेड्यूल हो गया है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब डिजिटल बोर्ड ऑफिस पहुंच चुका है, टीम लगभग तैयार हो चुकी है, बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च होने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ अब लगातार वीडियोज आएंगी और ज़्यादा मात्रा में आएंगी, आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट आएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, और नहीं तो पूरा मन था इस पर तो वीडियो देना ही था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है मिस यूनिवर्स से रिलेटेड। ठीक है, फिर कभी बना देंगे, आगे देखते हैं। फिलहाल नीति आयोग ने कहां पर 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? तो नीति आयोग ने दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में घोषणा की है कि 1000 अटल टिंकरिंग लैब लेबोरेटरी स्थापित करेगी। नीति आयोग के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजेस में। ठीक है, खास करके गवर्नमेंट स्कूल जो हैं जम्मू कश्मीर में वहां पर, हालांकि निजी स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी स्थापित किए जाएंगे, लेकिन कुछ ही जो मान्यता प्राप्त है वहाँ पर। इसके अलावा जो एडेड होते हैं कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर भी स्थापित किए जाएंगे। तो फिलहाल इस सत्र में, इस वित्तीय वर्ष में 2020-21 के अंत तक 187 जो है इसके स्थापना कर ही दी जाएगी, बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे। 31 जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल में स्थापित किए जा रहे हैं, 50 केवी और जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, और निजी स्कूल जैसे कई शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ये अटल टिंकरिंग लैब होता क्या है? अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों जो केंद्र सरकार का अटल इनोवेशन मिशन है, या कहें हम लोग नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, तो इसी का एक सब मिशन इसे कह सकते हैं हम लोग। इसके तहत क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया जाता है, थोड़ा और एडवांस किया जाता है, जिससे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा अपने मानसिक विकास को और हाई लेवल पर कर सके। ठीक है, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और अमिताभ कांत जी हैं इसके CEO। प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी। प्रथम CEO पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, जब भी आता है मैं ये दोनों चीज इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा मत, पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, अगला, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, या कहें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों, UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या जिसे हम लोग कहते हैं ISA, इसके बारे में तो बहुत बार आपको बताया गया है। भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त पहल है ये। 2015 में नवंबर मंथ में ये शुरू हुआ था, जब COP21 सम्मेलन चल रहा था ना फ्रांस में ही, तो COP21 सम्मेलन में ही इसकी घोषणा की गई थी। उस टाइम पर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति कोई और थे। फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांकोइस होलांदे। तो इन दोनों ने मिलकर के इसकी शुभारंभ की घोषणा की थी पेरिस फ्रांस में। तो अगर स्थापना पूछा जाए तो आप बताएंगे पेरिस फ्रांस में, लेकिन अगर मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ गलत लिख उठा है, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में, हरियाणा में, यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं अजय माथुर जी। स्थापना 2015 में हुई थी। और आप इसमें अगर देखना चाहेंगे तो अभी रिसेंटली अमेरिका शामिल हुआ था, 101वां देश बना था। ठीक है, और मैंने आपको पृथ्वी का ग्लोब भी बना करके समझाया हुआ था कि जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, इसके बीच में जितने भी जो देश पड़ते हैं ना, वहाँ पर सूर्य की रोशनी क्योंकि सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो इन देशों को एक जोड़ा जा रहा है इस सोलर अलायंस से, जिससे वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज किया जा सके। सोलर एनर्जी जब यूज होगी तो उससे पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होगा, हानि नहीं होगा। तो कैसे सोलर एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी के रूप में, इसी वजह से
इसी के लिए ये संगठन है काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अभी हाल ही में अमेरिका भी जुड़ गया है इससे, तो आप याद रखेंगे। अगला, दुबई में आयोजित FIDE या कहे फाइड वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती, तो कौन जीत सकता है, मैग्नस कार्लसन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोस्तों, शतरंज के, चेस के सबसे बड़े खिलाड़ी, 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए हैं, 5वीं बार इन्होंने जीत लिया, पिछली बार भी यही जीते थे, इस बार भी ये जीत लिए हैं। नॉर्वे के रहने वाले हैं, चेहरा पहचान लीजिए, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, हमारे विश्वनाथ नाथन आनंद जी को भी ये कई बार हरा चुके हैं, तो इन्होंने जीत लिया है दोस्तों एक बार फिर से। इस बार हालांकि इन्होंने रसिया के यान नेपोमनियाची को हराया हुआ है, दुबई में ये आयोजित हुआ था, दुबई एक्सपो जो अभी चल रहा है ना, वहीं पर ये आयोजित हुआ था UAE में, तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं इन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का दोबारा सदस्य चुना गया, तो दोस्तों भारत को चुना गया है एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का एक बार फिर से सदस्य चुना गया है। भारत अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है, द्विवार्षिक होता है, 2-2 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो एक बार फिर से 2 वर्षों के लिए चुना जा चुका है भारत, ठीक है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसमें भारत का चुनाव दोस्तों सबसे बड़े दिलचस्प वाले 10 स्टेट्स की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्टेट लिखा रहे तो आप राज्य, भारत वाला राज्य मत समझिएगा, उस स्टेट का मतलब वहाँ पर कंट्री होता है, ठीक है, उसका मतलब कंट्री होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, जैसे मैं अभी आपको बताऊँ UNO में कितने स्टेट्स हैं, तो आप बताएंगे 193। हिंदी में बोलूँगा तो UNO में कितने सदस्य देश हैं, तो आप बताएंगे 193, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश का ही हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, समझ लीजिए। तो ये 10 ऐसे दिलचस्प वाले देशों की श्रेणी में आता है अपना प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में बात करें तो 1948 में स्थापित हुआ था, लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, अध्यक्ष हैं किटैक लेम। अगला देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक चुना, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने दोस्तों आशु सुयस को अपना स्वतंत्र निदेशक चुना हुआ है। आशु सुयस ये आपको इमेज में दिख रही हैं, पहले ये क्रिसिल में काम किया करती थी, क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग वगैरह जारी करती है ना, कभी कभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, तो इसी में ये MD थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तो अब ये आ गई हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, 2022 से 2027 तक रहेंगी। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, फाउंडर एंड CEO हैं उदय कोटक जी, वर्तमान में चेयरमैन है प्रकाश आपटे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रसिद्ध कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में प्रसिद्ध कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कर्नाटक में ये एक खेल होता है ये, ठीक है, और बहुत ही प्रमुख लोक खेल है। देखिए दक्षिण भारत में ना भैंस दौड़, सांड दौड़, ठीक है, बैल दौड़ प्रतियोगिता ये सभी हुआ करती हैं। जैसे आप जल्लीकट्टू सुने थे, ठीक है, जल्लीकट्टू सुने थे, जैसे ये कंबाला हो गया, ऐसे ही वहाँ पर कई पारंपरिक खेल हैं जो हुआ करते हैं और उसको बहुत ही धूमधाम से सब लोग मनाते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कंबाला जो है ये कर्नाटक में, कंबाला जो है ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। कर्नाटक के मुदबिद्री में अभी हाल ही में आयोजित किया गया, जो कि दक्षिण कन्नड़ जिले में पड़ता है। इसमें 200 से अधिक जोड़ी भैंसों ने भाग लिया और दौड़ लगाई। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है कर्नाटका, इंडिया के मैप में। बेंगलुरु जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ की कैपिटल है। बसवराज एस बोम्मई, BS बोम्मई ये यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। यहाँ पर झीलों की बात करें तो पंपा सरोवर का नाम आप याद रखेंगे, बेगुर झील याद रखेंगे। इसके अलावा नेशनल पार्क में दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। कर्नाटक का यक्षगान ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कर्नाटक का यक्षगान भी आप याद रखेंगे, लोक नृत्य है यहाँ का, क्लियर है। अगला देखते हैं, 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया, तो काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 13 दिसंबर 2021 को इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। काशी वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम है।
उस धाम को और ज्यादा ग्लोरियस बनाने के लिए, और ज्यादा भव्य बनाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट लाया गया, कॉरिडोर लाया गया और इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 339 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है। इसका पहला फेज लोकार्पित किया गया है, क्लियर है। इसमें दोस्तों 27 मंदिरों के विग्रह को भी स्थापित किया गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर अब और भी भव्य होने जा रहा है और शुरुआत हो चुकी है, पहला इसका फेस लोकार्पित हो चुका है। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें आ गया है दोस्तों 66वें स्थान पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत इसमें 66वें स्थान पर है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स का कहना है कि वर्ल्ड अनप्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पैंडेमिक, फ्यूचर में किसी भी पैंडेमिक के लिए, महामारी के लिए वर्ल्ड जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये कहना है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट का। फिलहाल जारी कौन करता है इसे? NTI जारी करती है। NTI के साथ साथ इसे जॉन्स हॉपकिंस सेंटर है उसके द्वारा जारी किया जाता है। मैंने आपको सूचकांक वाली वीडियो में बताया था ना, आजकल के क्वेश्चन एडवांस हो गए हैं। आजकल इंडेक्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि पहले पर कौन है या भारत की रैंक कौन है। मोस्टली आजकल देखा ये जा रहा है कि ये पूछा जाएगा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जारी कौन करता है। तो जारी करता बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वीडियोज देखने को मिलती हैं जिसमें जारी करता इग्नोर कर दिया जाता है। आपको इग्नोर नहीं करना है, जारी करता जरूर पढ़िए, ठीक है, कि कौन सा इंडेक्स किसने जारी किया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है भारत की रैंक, ठीक है, और तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो है पहले पर कौन है, और बहुत बड़े लेवल का अगर एग्जाम है तो पूछ लेगा कि सेकंड थर्ड पर कौन है, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और तैयार रहिए, जल्द ही हम लोग आने वाले हैं। इसके लिए अनाउंसमेंट लगातार चलती रहेगी। अनाउंसमेंट वगैरह जो भी होगा वो टेलीग्राम पर किया जाता रहेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिए, जब भी होगा जो भी होगा फोटोज़ वगैरह सब कुछ वहाँ पर भेजता रहूँगा मैं, ठीक है। तो बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं टीम के साथ, लाइव आएंगे और अब से लगातार क्लासेस शुरू होंगे, ठीक है। तो उसका क्या डेट है, कब आ रहे हैं हम लोग, ये सब चीज़ें अब टेलीग्राम पर अपडेट किया जाता रहेगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे का भी आंसर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान 2020 मिला? अगला, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। जाओ इसकी जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज जो है MZT ऐप पर अवेलेबल है। MZT ऐप नहीं इंस्टॉल की हो तो इसको इंस्टॉल करके रखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बस फिलहाल लगते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।